ओके रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। एक बच्चा रिमूव हो गया है, तो प्लीज वापस ज्वाइन कर लेना बेटा। ओके यामिनी आप भी आई थिंक, तीशा चौधरी आप भी सब लेफ्ट हो गए हो, तो प्लीज आप वापस ज्वाइन कर लीजिए बेटा, वापस ज्वाइन कर लो ठीक है ना, क्योंकि ऐसा होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करें बेटा। यस यस सर, सर, यस सर। नो अच्छा ये क्वेश्चन हमने कल किया था सर, ठीक है। नो सर। ओके कम ऑन बच्चों, अभी हमारा प्रैक्टिस चल रहा है ठीक है ना, ये क्वेश्चन पढ़ो और ट्राई करो आंसर देने की कोशिश करो। आपके पास 2 मिनट का टाइम है, आप आराम से क्वेश्चन पढ़िए। देखो 2 मिनट टाइम, इसका मतलब ये नहीं कि 2 से 3 दिवस हो सकता है, ट्राई करो प्रॉपरली सॉल्व करने, आएगा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। अच्छा हाँ, मोल तक, जिसको कि मोल तक हमने कल पढ़ा था, किसी कुछ डाउट है मोल के ऊपर, जो मोल का फॉर्मूला हो गया, किसी कुछ डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो बेटा। किसी कुछ डाउट है मोल के क्वेश्चन के ऊपर? हेलो बच्चों, कोई रिस्पॉन्स दो बच्चों, कम ऑन। नो सर, नो ठीक डाउट, नो सर, नो सर। है चलो कोई बात, क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन पढ़ो। देखो एक बार क्वेश्चन क्या लिखा है। टू स्टूडेंट लिखा है, टू स्टूडेंट परफॉर्मिंग द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली, ईच ऑफ देम रिकॉर्डेड 2 रीडिंग्स ऑफ मास, करेक्ट रीडिंग ऑफ मास इज 3। तो मतलब हमें क्या, हमें ये पता चल गया कि इसका ट्रू वैल्यू कितना है। 2 सेकेंड, 3.0 3 ग्राम हमारे क्या, इसका ट्रू वैल्यू कितना है, 3 ग्राम इसका ट्रू वैल्यू है ठीक है ना। अब देखो एक एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है ना। एक का रीडिंग कितना आया, एक का रीडिंग आया फर्स्ट रीडिंग 3.01, दूसरा रीडिंग कितना आया 2.99 है ना। ओके यस सर, जी, बी का कितना रीडिंग आया, 3.05 एंड 2.95। ओके अब देखो बच्चों, अगर मैं ए वाले का एवरेज निकाल रहा हूँ, क्या निकाल रहा हूँ, एवरेज निकाल रहा हूँ और डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ, तो कितना मेरा आंसर आएगा, 3.01 प्लस 2.99। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर ये है कितना है, 3 ग्राम। कितना आ जाएगा, 3 ग्राम आ जाएगा ए का ठीक है ना। बी का क्या आंसर आ जाएगा, 3.05 प्लस 2.95 डिवाइड बाई 2, तो इसका आंसर भी आ रहा है 6। तो 6 बाई 2 कितना आ गया, 3 ग्राम आ गया। मतलब क्या, दोनों है। का आंसर क्या है आपका, 3 3 आ रहा है, मतलब कि दोनों का आंसर क्या है, एक्यूरेट है। दोनों का आंसर क्या है आपका, एक्यूरेट आंसर है। चलो ओके अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शंस में क्या लिखा है यहाँ पर देखो, द रिजल्ट ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नाइदर एक्यूरेट नोर प्रिसाइज। नहीं, पहला वाला तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों का रिजल्ट कैसा है, एक्यूरेट रिजल्ट है ना, दोनों रिजल्ट कैसा है, एक्यूरेट रिजल्ट है। ओके अब क्या लिखा है यहाँ पे देखो, द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी इज नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। नहीं, जो बी वाला है उसका भी रिजल्ट कैसा है, एक्यूरेट तो है, तो मतलब कि ऑप्शन 3 भी नहीं आया आने वाला। क्या लिखा है, द रिजल्ट ऑफ रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। क्या दोनों का रिजल्ट प्रिसाइज है, तो आप बोलोगे नहीं सर, प्रिसाइज इसलिए नहीं है क्योंकि इन दोनों रिजल्ट के बीच में क्या है, डिफरेंस ज्यादा है, क्या आपका डिफरेंस ज्यादा है ना। लेकिन जो ए वाला बच्चा है उसके बीच में डिफरेंस कैसा है, बहुत कम डिफरेंस है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि ए वाला जो है वो आपका एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2। क्या आंसर आ जाएगा, 2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। दैट इज द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। सबको समझ आया बच्चों ये वाला क्वेश्चन? यस यस सर, यस यस क्या सर, सभी बच्चों ने यही अप्रोच यूज किया था जो मैंने अभी अप्रोच यूज किया, यस या नो? अगर यस नो तो सर, प्लीज, अगर नो तो प्लीज दो नो यूज करो ठीक है ना। देखो मैटर मैटर ये नहीं करता कि तो आपको क्वेश्चंस आ रहा है कि नहीं, वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपने अप्रोच कैसे किया ठीक है। यही आपको JEE क्वालिफाई कराएगा। और आप जैसे देख पा रहे हो इस साल का JEE 24 जनवरी से है फर्स्ट शिफ्ट ठीक है ना, तो मतलब सोचो कितना कम टाइम बचा है आप लोग के पास भी।
ठीक है, तो आपको 1 साल मतलब कि 12 महीने के अंदर आपको 12th भी पढ़ना है और आपको 11th भी पढ़ना है ना। ऑब्वियसली गो फॉर एलिमिनेशन मेथड। यस एकदम सही बोले सर। हमने सबसे पहले क्या किया, ऑप्शन को टैली किया कि ऑप्शन सही है करके, उसके बाद हमने क्या किया हर एक ऑप्शन को वेरीफाई किया, ओके ये सही आंसर, ये सही आंसर। तो आपको वैसे क्या करना है, हर एक ऑप्शन को प्रॉपरली टैली करना है। समझ गए बच्चों? यस सर, चलो चलिए आगे बढ़े, यस आगे बढ़े। ओके सर, यस सर, चलिए देखो, आई थिंक ये वाला आपको तो ये इस वाले पार्ट को आप इग्नोर करो, ये जो नीचे जो आपको सॉरी जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट को आप इग्नोर करो, इसको भी आप ध्यान मत दो, ठीक है ना। आप क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है, कोई बच्चे पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कम ऑन कोई बच्चा क्वेश्चन पढ़े। हाँ पढ़ो। सर, वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज गिवन बिलो। कंपाउंड आर फॉर्मड व्हेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो। ओके पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज नॉट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। ओके तो यहाँ वेरी गुड बच्चा, थैंक यू पढ़ने के लिए। तो शिवम ने क्वेश्चन क्या पढ़ा, शिवम ने क्वेश्चन ये पढ़ा कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में उसने बात किया। क्या बोला, कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन फिक्स्ड रेशियो। तो फिक्स्ड रेशियो की बात कौन कर रहा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फिक्स्ड रेशियो की बात कर रहा था, है ना। ठीक है ना, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन किसकी बात करता, फिक्स्ड रेशियो की बात कर रहा था, लेकिन कौन सा लॉ फिक्स्ड रेशियो की बात नहीं कर रहा था। तो आपका आंसर क्या है, फर्स्ट वेरी एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड गुड। फोर्थ, फर्स्ट आप एंड फोर्थ सर, जी फर्स्ट एंड बिल्कुल फोर्थ जी, अभी आप ये देख सकते हो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ये तो कोई मास, ये तो हमारे को प्रोपोर्शन के बारे में डिफाइन नहीं कर रहा था। और इवन एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ ने क्या बोला था, अच्छा कौन बता गया एवोगैड्रो लॉ के बारे में, सरिता, सरिता आप बताओगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में, सरिता आप बताओ एवोगैड्रो लॉ के बारे में। जी बोलिए बेटा, और कौन बोलेगा, कम ऑन ट्राई करिए बोलिए। सर, बिल्कुल एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, सर वॉल्यूम जो होता है वो नंबर ऑफ गैस मोल्स के इक्वल होता है लगभग। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। तो कहने का मतलब क्या है, एवोगैड्रो ने कहा कि अगर डिफरेंट गैसेस हैं उनका वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर क्या है वो भी सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों गैस के अंदर क्या होगा, सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। राइट सरिता, एकदम आपने एकदम सही कहा, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमारा क्या होगा, हमारा ऑप्शन 1 और 4 क्या होगा, आपका आंसर सही होगा। ठीक है समझ गए बेटा, तो हम आगे बढ़े। यस चलिए बहुत बढ़िया, आगे सर, बढ़े। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, मेजर टेम्परेचर ऑफ फारेनहाइट स्केल 200 फारेनहाइट, व्हाट विल बी द रीडिंग इन द सेल्सियस स्केल। कम ऑन ये आंसर करो, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। कम ऑन बच्चों, इसका आंसर मुझे निकाल के बताइए, कम ऑन बच्चों। अपने नोटबुक्स, आपके पास पेन या कुछ हो तो प्लीज आप रफ वर्क करिए, रफ वर्क मैटर्स अ लॉट, रफ वर्क मैटर करता है। आप बोल रहे थे ना क्वेश्चंस करना है, अभी हम क्वेश्चंस करें पूरा, हम क्वेश्चंस करेंगे फिर हम कल का स्टार्ट करेंगे, आपका परसेंटेज एम्पिरिकल फॉर्मूला वो सब हम पढ़ेंगे, पूरा न्यूमेरिकल बेस पढ़ेंगे। चलिए कम ऑन, सर थर्ड, थर्ड सबका थर्ड आ रहा है। यस देखो सर, अभी मैं यस सॉल्व सर, करते हैं, अभी हम सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5C+32, ये फॉर्मूला है ना। 200 फारेनहाइट दिया गया है, आपको क्या चाहिए, 9/5C+32। क्या करो, 32 को इस साइड लेके जाओ पे सबसे पहले, तो क्या आएगा, बड़ा आएगा 200 - 32 इज इक्वल टू, स्क्रीन दिख रही है मेरी कि नहीं दिख रही है, दिखिए सर, रुको रुको दिख रही है, दिख रही है ना। यस सर, यस सर, ओके ओके तो अब क्या होगा, 9/5C, तो इसको कितना आएगा, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 168 इज इक्वल टू
9/5 सी, क्या करोगे, सी इज इक्वल टू 168 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 9। तो आप करो, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ आप, लेकिन आप नॉर्मल यूज करोगे, प्रैक्टिस करना, ये मैटर, ये बहुत मैटर करता है। ये देखो, अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना, ऑप्शन में देखोगे तो क्या है आपका, ऑप्शन ए और फोर तो नहीं आने वाला, लेकिन सेकंड और थर्ड कितना क्लोज है, ये बहुत क्लोज वैल्यू है ना, ये आपका बहुत क्लोज वैल्यू है, तो आपको प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 168 मल्टीप्लाई बाय 5 93.3 डिवाइड बाय 9। तो आपका आंसर आ गया 90, हाँ तो आपका आंसर आ गया 93.3 डिग्री सेल्सियस। आ गया बच्चों, क्या ये आंसर आ रहा है सबका बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर, यस चलिए सर, बहुत बढ़िया, ओके बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, यस सर, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया, मोर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से आपका जेई के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, काफी क्वेश्चन आते हैं। देखो बच्चों, कम ऑन, क्या लिखा है, कौन क्वेश्चन पढ़ेगा, क्वेश्चंस पढ़ेगा अभी, क्वेश्चन पढ़ेंगे मोहित शर्मा। मोहित शर्मा क्वेश्चन पढ़िए, मोहित शर्मा क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट यस सर, द नंबर वाला। ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द वन मोल ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स? हाँ, तो कौन सा वाला पार्ट होगा जो सबसे ज्यादा एटम्स, वो क्या बोलते हैं, एटम्स होगा, तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका फॉर्मूला यूज करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक मास, मास अपॉन एटॉमिक मास, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, मैं आपको फर्स्ट वाला करके बता रहा हूँ, रुको, स्क्रीन अटक रही है बच्चा, रुको मैं यस वापस, सर, कोई बात, अभी दिख रही होगी यस है सर, ना। यस देखो, सर, आई थिंक आज सुबह से ही, मतलब कि शाम से क्लास है तो स्क्रीन अटक रही थी, मैं इसका ध्यान रखूंगा कि स्क्रीन अभी अब से ना अटके, तो कल कल वाला जो क्लास होगा उसमें पर स्क्रीन अटकेगी नहीं, मैं कुछ ना कुछ करके इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलो, वेरी गुड। अब देखो बच्चों, अब क्या होगा, मैं निकाल रहा हूँ N1, N1 मतलब क्या, N1 ऑफ हाइड हीलियम, हीलियम का निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है ना। हीलियम का मास कितना दिया है, 4 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम क्या होता है, 4 होता है, तो 4/4 फोर। कितना आ गया, 1 मोल आ गया, है ना, 1 मोल। तो 1 मोल में कितने एटम्स होंगे, आप बोलोगे एवोगैड्रो नंबर, दैट इज एनए मिलेगा, है ना। तो उसका वैल्यू कितना होता है, 6.022 × 10³ होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने N1 निकाल लिया, अभी आप N2 निकालिए, N2 कितना मोल आ रहा है, N2 का सोडियम में कितना मोल आ रहा है बच्चा, कमॉन ट्राई करिए, टू आए कितना आएगा, 2। जैसे आप बोलो मास कितना दिया है, आप बोलो मास दिया 46 ग्राम, एटॉमिक, और 46.23 हाँ एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है, आप बोलोगे 23, कितना 23 आएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 मोल। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 × NA, मतलब आपका 2 × एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। स्क्रीन दिख रही है सबको कि नहीं दिख रही है, अगर नहीं दिख रही है तो आप यस हैंड रेस कर दो, सर, रुक स्क्रीन रही है दिख सर, रही है, स्क्रीन दिख रहा बीच बीच में अटक रही है सर। है, मैं इसका ध्यान रखूंगा कल इसका प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाए, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, अब थर्ड वाला कौन करेगा, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो कितना मोल में आएगा मुझे बताओ, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना आएगा नंबर, मतलब उसका कितना मोल होगा। यस, वेरी गुड जीरो बच्चा, पॉइंट बहुत वन बढ़िया। ये तो कितना आएगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे N3, मैं यहाँ पे लिखता हूँ N3, N3 कितना आएगा, आप बोलोगे 0.4/40, तो आपका आंसर है कितना आएगा, आपका आंसर तो और छोटा आएगा, आई थिंक आएगा, 1/100 तो आपका आंसर आएगा 0.01, कितना आएगा, 0.01 मोल आएगा, कितना आएगा, 0.01 मोल आएगा, और छोटा हो गया है ना। अभी फोर्थ तो देखते हैं, N4 क्या है, किसका है, हीलियम ही दे दिया है, तो हीलियम क्या होगा, ये 12 ग्राम,
कि आप मास दिया ना 12 ग्राम दिया है, तो 12 ग्राम क्या होगा, 12 डिवाइड बाई 4, तो 4 थ्री जा तो कितना 3 मोल, तो थ्री ऑब्वियसली कितना होगा 3 मोल में सबसे ज्यादा आंसर आएगा, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 12 ग्राम ऑफ हीलियम। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों, मोहित यस सबको प्रॉपर समझ में आ रहा है, मैं पॉइंट वाइज बस सबको समझा रहा हूँ, तो प्लीज आप इसको प्रॉपर ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए ये हमने लिख लिया, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर क्या दिया आपको, ओके क्वेश्चन, नहीं नहीं मैं स्क्रीन लिखने में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, स्क्रीन दिख रही है ना, ओके चलिए कम ऑन बच्चों क्वेश्चन करिए, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, कम ऑन बच्चों इसका आंसर कोशिश करिए, सब स्क्रीन नहीं दिख सारे रही है। सर, इसका फोर्थ, थर्ड और फोर्थ होगा, दिख स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन दिख रही है मुझे, दिख रही है सर अभी, एनडी रही या थर्ड और फोर्थ, सर जिन बच्चे को, थर्ड और फोर्थ। जिन बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही होगी तो आप प्लीज थोड़ा सा लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करिए, आपको स्क्रीन दिखेगा जी, ओके। अब इसका आंसर मुझे कौन बताएगा, मुझे इसका आंसर बताएं, थर्ड और फोर्थ सर, आपने सॉल्व किया उसको, अच्छा ये यस बताइए सर, फर्स्ट वाला, जो फर्स्ट वाला है उसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, मुझे बताए कितना फर्स्ट वाला मोल्स क्या आता है, फर्स्ट वाला ऑप्शन के अंदर, सर ऑक्सीजन के सर Na/2 और हाइड्रोजन के आए थे सर 2। ओके तो आप ये बोल सकते हो जो फर्स्ट वाला है, आप ये बोलोगे आप क्या निकालो, N1 निकालो, नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट ऑप्शन का निकालो, तो क्या होगा मास अपॉन एटॉमिक मास है ना, तो 16 ग्राम अपॉन 32, 32 में क्यों लिखा, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, तो O2 दिया है ना, O2 मतलब कितना होगा 32 होगा, पता नहीं स्क्रीन क्यों नहीं चल रही है, ठीक है दिख रहा है, यस हेलो सर, जी, यस सर, तो इसका इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 0.5, पहले का क्या आया 0.5 मोल आया, अब उससे क्या दिखा 4 ग्राम हाइड्रोजन, तो मैं क्या एन टू लिखता हूँ, तो क्या होगा 4 डिवाइड बाई 2, 2 क्यों लिखा मैंने, एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 कितना होगा 2 होगा, तो 2 वन ज़ा 2, तो आंसर कितना आया 2 मोल, तो क्या ये दोनों नंबर सेम है, ऑब्वियसली ये दोनों नंबर सेम सर नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगा है ना, तो अगर आप इसको चेक करोगे ना, अगर आप इसको चेक करोगे तो आपका आंसर आएगा किस, आपका आंसर आएगा थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में आपका सेम आंसर है बच्चों, थर्ड और फोर्थ का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करिए और आपका चेक करिए कि क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, प्लीज बच्चों चेक करिए। यश्विनी शर्मा नहीं क्या आ रहा है बच्चों, स्क्रीन नहीं आ सेम रही ही है, आ रहा है, सबका सिर्फ वन वन आ रहा है, सबका वन वन आ रहा है, जी सर, सबका वन 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 आ रहा है, क्या बात कर रहे हो यार, थर्ड और फोर्थ का हाँ थर्ड और फोर्थ का वन वन आ रहा है, बाकी 1 2 का आ रहा है क्या, नो सर, नो सर, अंशिका चौधरी, अंशिका चौधरी आपने सॉल्व किया बेटा, अंशिका, अंशिका, अंशु, अरमान, दिलजीत, जतिन, जतिन बेटा आप क्वेश्चंस कर रहे हो प्रॉपरली, केशव, कोनार्क चौधरी, कोनार्क चौधरी आप क्वेश्चंस कर रहे हो बेटा, यस सर, जी बेटा वेरी गुड, मन्नत ठाकुर, मोहित, मोहित शर्मा, निखिल, नियति, यस नियति आप क्वेश्चंस कर रहे हो बेटा, सर, पलक कोशिश कर रहे हो, पलक, पलक ठाकुर, पीयूष, अच्छा पीयूष ठाकुर क्या बात है पीयूष, अरे मेरा नाम है, हाय पीयूष, अरे बोलिए मैं हूँ, रंजनी, रमन, साहिल, सक्षम, समृति यस सर, आप यस सर, आ रहे, कोशिश कर रहे हो, सरिता देवी,
यस सर। क्वेश्चंस कर रहे हो ना बेटा, सर मैंने निकाल लिया आंसर। निकाल लिया बेटा आपने, बहुत बढ़िया। यस सर। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हम आगे बढ़े अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखो क्या क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन ये दिख रहा है कि इंपेरिकल फॉर्मूला, देखो ये इंपेरिकल फॉर्मूला है, इसको रहने दो तो कोई बात नहीं। व्हाट इज द मास ऑफ वन कार्बन एटम C12 इन ग्राम्स, इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? कम ऑन, ये तो मैंने बहुत बार करा चुका, मैंने ये वाला पार्ट। व्हाट विल बी द मास ऑफ वन कार्बन ऑफ C12 इन ग्राम्स? कम ऑन बच्चों, इसका आंसर मुझे बताओ। बच्चों इसका आंसर मुझे बताओ, कैसे करोगे? कम ऑन, कौन बताएगा? सरिता, तनुज? हाँ तनुज आप बताइए। तनुज तो मैं क्या ले सकता हूँ यहाँ पर बच्चों? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ यस सर, तो यस सर। बोलिए कुछ, इतना शांत शांत माहौल हो गया, सो गए क्या सबके सब? हाँ सुना नहीं है। हेलो हेलो हेलो, सुना नहीं है? ठीक है जाग रही है सबके? सर। यस सर। यस सर। जी बेटा जी, चलो कम ऑन। हाँ समृति आप बताइए इसका आंसर। समृति आप बताइए आंसर, ट्राई करिए। तो आप ये लिखोगे मास ऑफ वन कार्बन इज इक्वल टू 12 इंटू प्रोटोन, मास ऑफ प्रोटोन तो क्या आएगा? 12 इंटू 1.66 इंटू 10^-24 ग्राम। आप यहाँ करो 12 को 1.6 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 1.66, तो मेरा आंसर आ रहा है 19.92 इंटू 10^-24 ग्राम आएगा। मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट को इससे लेके जाता तो क्या होगा? 1.92 इंटू 10^-23 आएगा कि 5 आएगा? 23। क्या आएगा? 23 ग्राम आएगा। समझ गए बच्चा ये वाला पार्ट? यस स्क्रीन दिख सर। रही है? स्क्रीन दिख रही यस है? सर। करिए रुक रही है सर। सर रुकिए। जी जी रुको, दो सेकंड, डोंट वरी, मैं करता हूँ इसको, डोंट वरी। दिख रहा है स्क्रीन? यस दिख सर। रहा है। यस जी, सर। चेक करिए चेक करिए। कमल बच्चों शांत, बंटी इतना सब नहीं करते, ज्यादा ऑप्शन है, एक एक को बार बार मत रखो, ठीक है ना? वन रखो, ठीक है फाइन। जी सर मेरा 1.99 इंटू 10^-23 ग्राम आ रहा है। 1.99, यस सर। हाँ चलेगा, कोई इशू नहीं। हाँ सॉरी सॉरी, 1.99 नहीं है, मैंने यहाँ पे 1.12 कर दिया है। ओके सर। एकदम सही आंसर आया। देखो पहले वाले मैंने वही लिखा था, मैं नीचे गलत लिख दिया है ना, गलत नहीं था, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया क्योंकि मैं चैट बॉक्स देख रहा था। तो 1.99 इंटू 10^-24 ग्राम आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है? वेरी गुड कुनार, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चों। चलिए आगे यस बढ़े। सर। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है आपका, वापस मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। तो कम ऑन फर्स्ट वाला ट्राई करिए, कम ऑन फर्स्ट वाला, आपको हर एक ऑप्शन का ट्राई करना है, प्रैक्टिस करते रहो बार बार, क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो पहला वाला मैं कर रहा हूं, क्या लिखा है? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एस एन डैश, मतलब कि 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन का किसका आंसर सेम आएगा? तो सबसे पहले क्या क्या निकालो क्वेश्चन में, जो है उसका नंबर मोस्ट निकाल लो। तो N1 इज इक्वल टू क्या होगा, मास कितना है? 16। ऑक्सीजन का मास क्या है? वो भी 16, 16 तो क्या आएगा? 1 मोल। कितना वन आएगा? 1 मोल। तो अभी जिसका भी आंसर 1 मोल आ रहा है, वो आपको उसका आंसर राइट आंसर आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन है ना? तो 1 मोल में 1 मोल में कितना आएगा? आप बोलोगे सिक्स सर। पॉइंट फोर जीरो टू टू इंटू 10^23 ऑक्सीजन एटम्स होंगे, तो किसका आंसर 1 मोल आ रहा है चेक करो। सेकंड ऑप्शन वन ऑप्शन सेकंड 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 जी बेटा, अब देखो अगर हम सेकंड के बारे में बात, क्या होगा? आप N2 निकालो, क्या होगा? दैट इज 28/28। वेरी गुड बच्चे, क्या बोलोगे? 28/28, तो क्या इतना आ गया? 1 मोल आ गया, है ना? तो ये आपका राइट आंसर है।
लेकिन आप ये भी चेक करिए क्या यह मल्टीपल सेट है, सक्षम क्या चैट कर रहे हो बेटा, बी ऑन फोकस ना, जो क्वेश्चन कर रहे वो करो बेटा, चैट में ज्यादा फोकस ना करिए, ठीक है ना, हम पढ़ाई कर, राइट, पढ़ाई करिए, कम ऑन। चलिए थर्ड थर्ड कितना मोल्स आएगा आप बोलोगे, एन थ्री आएगा आपका, आएगा 14/28, तो आपका कितना मोल्स आएगा 0.5, कितना आएगा आपका 0.5 आएगा, ठीक है, सही है ना? यस सर, यस सर। बेटा सारे क्वेश्चन तो मैं ही कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा अप्रोच करिए, आप मुझे बताइए सर इसको ऐसा करेंगे, कम ऑन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझाते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, किस में होगा, चलो कम ऑन सर, थर्ड, थर्ड वाला पक्का, थर्ड, थर्ड में होगा, यस सर, पक्का, यस सर, यस सर। कैसे किया बच्चों, बता मुझे कैसे किया, वो मुझे बताओ, बंटी मुझे बताएंगे, बंटी बताओ कैसे किया सर, अभी किया नहीं सर, अभी कर रहा हूँ। हाँ जी करिए, कम ऑन, कुनार किया आपने, तनुज किया आपने, कौन बच्चों, करो करो, मैं सब कुछ नहीं करने वाला, ठीक है ना, मैं क्योंकि देखो क्वेश्चन करना है अपने को प्रॉपरली, आदि, राजपूत, आदित्य, अंकिता, अंकिता क्वेश्चन हो रहा है बेटा, अंकिता, अंकिता बेटा, सर थर्ड ऑप्शन, अंकिता बेटा क्वेश्चन हो रहे आपसे, यस सर, अनिष्का, अनिष्का, अंशु, अमन, गीतांश, आप सर 1 ग्राम ली, कौन सा ऑप्शन आएगा, 1 ग्राम, थर्ड, थर्ड आएगा पक्का, देखो सिंपल सी बात है, अभी इसमें भी कह रहे हैं हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल तो क्या होगा, 1/EU, हाँ तो EU का मास क्या है, बहुत ज्यादा, EU का मास बहुत ज्यादा है, तो 1 से तो उसका आंसर बहुत छोटा आएगा, इससे कितना आएगा 1/23 आएगा, लिथियम कितना आएगा 1/, हम क्या, देखो हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें भी हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। देखो बच्चों आप ये नोटिस कर पा रहे हो, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं ना, सब किस में हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स से क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, तो आपको फोकस किस में करना है, नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले में फोकस करना है, अगर वो आ जाएगा तो हर एक क्वेश्चन आ जाएगा, समझ गए बच्चा, यस सर, यस सर, यस सर। आई थिंक गोल्ड का जो मास है आई थिंक होता है अराउंड 196 के आसपास, या 176.99 कितना होता है बेटा, 196.96, हाँ तो इतना ही कुछ होता है, ठीक है ना, डोंट, तो उसे मास बहुत कम आएगा क्योंकि उसका नंबर बहुत बड़ा है ना, तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ गया बच्चा, यस सर, यस सर। आगे बढ़े बच्चा, यस सर, यस सर, ओके, 2 सेकंड को, ओके कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, देखो जरा, कम ऑन जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, तो हम अच्छे काट रहे हैं, क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, कम ऑन, मैं हेल्प करूं बच्चा, चलो मैं क्या करता हूँ, कॉपर सल्फेट का CuSO4 का मॉलिकुलर मास फाइंड करने में हेल्प करता हूँ, ठीक है ना, कॉपर का मॉलिकुलर मास क्या होता है 63.5, कितना होता है 63.5 होता है, देखो बच्चों डोंट वरी, एग्जाम में हर एक का मॉलिकुलर एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास दिया जाएगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इवन अगर हम भी कोई एग्जाम देंगे तो उसमें ये फॉर्मूला देंगे, तो डरने की बात नहीं है, आपको हर एक का एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास मिलेगा, समझ गए बच्चा लोग, यस सर, यस सर, चलो, यस सर, 63 सोडियम, सल्फर कितना होता है, सल्फर का होता है 32,
प्लस 4 इंटू 16, ठीक है ना, तो कितना आया 63.5 प्लस 32 159.5, यही आंसर है ना? यस सर, यस सर, ओके, तो ये मेरा आंसर आ गया। कितना ग्राम है, चलो हाउ मच कॉपर निकालेंगे, कम ऑन, क्या कैसे कैसे क्वेश्चन करेंगे बताओ जरा, आंसर आया किसी का? बच्चों ये एनसीईआरटी का ही है, कम ऑन, आपको आंसर आना चाहिए। थॉमस, हेलो थॉमस, क्वेश्चन आ रहा है? तनुज, क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे बेटा? सुजल, सूरज, सुशील, सुधांश, सिद्धार्थ, क्वेश्चन क्वेश्चन हो रहा है? नहीं आ रहा क्वेश्चन ये वाला बेटा? सर 39.81 39.81, देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे देखो हम कर सकते हो 0.62, देखो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आपको जो क्या देख करना है, देखो हमें इससे कितना मास मिला, हमें पूरा पूरा कॉपर सल्फेट का 159, हाँ, तो अब ये बोलोगे 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट के अंदर कितना कॉपर है, आप बोलोगे 63.5, कितना है 63.5 ग्राम कॉपर है 150, अच्छा स्क्रीन अटक गई शायद, क्या स्क्रीन, ओके स्क्रीन यहाँ चली गई, बोलो स्क्रीन दिख रही है? नो सर, यस सर, यस सर, दिख रही है, स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर, यस सर, यस सर, जी बेटा, जी जी, कम ऑन, देखो 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट कितना है, 63.5 ग्राम कॉपर है, तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना ग्राम होगा, तो क्या करो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो बेटा, तो आपका आंसर कितना आएगा 63.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 159.5, आपका आंसर आएगा 39, कितना आएगा 39.81 ग्राम, कितना आएगा 39.83 ग्राम। बच्चों क्वेश्चन आ रहा है? यस सर, यस सर, सभी बच्चे क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जी कम ऑन, अभी नेक्स्ट 9th वाला क्वेश्चन करिए बेटा, कम ऑन 9th वाला क्वेश्चन करिए, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, क्या निकालना है, कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था क्या करना है, हमको मोलर मास लेना है, उसके नेचुरल अबंडेंस को मल्टीप्लाई करना है, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हम क्लोरीन का निकल तो कैसे करेंगे, 35 कार्बन 30 कितना है, आप बोलोगे 34.96 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंटेज है 71.77, तो क्या करोगे 75.77 डिवाइड बाय 100, अब 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये परसेंटेज किसमें दिया आपको, परसेंटेज में दिया है ना, प्लस प्लस किया, अब देखो क्लोरीन 37 का मोलर मास कितना दिया है 36.9659 मल्टीप्लाई कितना नेचुरल अबंडेंस है 24.23, तो 24.23 डिवाइडेड बाय 100, सॉल्व करो बच्चों, इसका आंसर निकालिए, कम ऑन बच्चों कितना आ रहा है 35.45, कितना आंसर आया बच्चों, आपका आंसर आ गया, आ रहा होगा 34. आई थिंक एक बच्चन चैट में आंसर दिया, हाँ सिद्धार्थ राइट 34.45, ठीक है ना 34.5, वेरी गुड बच्चा, एकदम राइट आंसर, एकदम सही आंसर, ठीक है ना, तो आपको पता चला मेथड कैसे करना है बच्चों, yes, आ रहे हैं, okay? yes, आगे बढ़े बच्चों, yes, yes,
जी कम ऑन, ये वाला क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चा, क्या दिया है? 3 मोल ऑफ इथेन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। कौन बच्चों अप्रोच क्या आंसर आएगा, फर्स्ट का क्या आंसर आएगा, कम ऑन ट्राई करिए, फर्स्ट का क्या आंसर आएगा, फर्स्ट वाले का इजी है, कम ऑन बच्चों। बच्चों ऐसे बैठे नहीं रहना है, रिस्पॉन्ड करना है, कम ऑन बच्चों रिस्पॉन्ड। आ रहा है बच्चों? चलो मैं पहला वाला करता हूँ, ठीक है ना, पहला वाला मैं करता हूँ। चलो क्या लिखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अब क्या बोला है, 3 मोल में कितना होगा, तो आप ये देख सकते हो कि 1 मोल के अंदर, 1 मोल में कितना होगा, 2 कार्बन एटम होगा, कितना होगा, 2 कार्बन एटम होगा। तो 3 मोल में कितना कार्बन एटम होगा, कितना होगा, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या, स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? नो सर। अभी दिख रहा स्क्रीन? यस सर। देखो एक मोल को, देखो एक मोल में कितना कार्बन एटम है, 2। देखो ये फॉर्मूला, देखो जब ये फॉर्मूला हम देख रहे क्या हो रहा है, देखो ये फॉर्मूला क्या दिया है, C2H6। देखिए इथेन होता है राइट, ये हमारा इथेन होता है, तो इथेन में एक मोल में कितना कार्बन दिख रहा है, 2 कार्बन दिख रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 3 मोल में कितना होगा, ठीक है, 3 मोल में कितना होगा, आपका आंसर कितना आएगा, 6 कार्बन, कितना है, 6 कार्बन आएगा। कम ऑन सेकंड वाला करिए, कम ऑन बेटा सेकंड वाला करिए, बहुत बढ़िया सर, 18 पर 18 18 वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, कितना आएगा, 18 एटम, कितना होगा, 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होगा, ओके। चलो अब थर्ड वाला क्वेश्चन करो, कम ऑन बच्चा थर्ड वाला भी इजी है, नंबर ऑफ, देखो बच्चों मैं एक बार इसको लिख रहा हूँ, थर्ड वाला बच्चों देखो, कम ऑन थर्ड वाला, बेटा हमेशा देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, रियली देखो सिंपल ना सर, 1.80 इनटू 10 की पावर 23। वापस करिए आप इसको, देखो देखो बच्चों यहाँ पे देखो क्या बोला है, नंबर ऑफ मोल्स विथिन, ओके 1 मोल में कितना मॉलिक्यूल होगा, 6.22 इनटू 10 टू द पावर 23 इथेन मॉलिक्यूल्स होगा राइट सर, 1.80 6 इनटू 10 की पावर 24। हाँ अब सही, अब सही बोला, एकदम सही, सॉरी आई थिंक मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आपने एकदम सही किया। तो 3 मोल में कितना होगा, कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आंसर आएगा, 3 इंटू एन ए कर दो, लिख दो, या तो क्या करो, आपने क्या बोला कुनार, 1 पॉइंट कितना है, 1.806 इंटू 10 की पावर 24। वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, तो ये आपका आंसर है, सारे बच्चे समझ रहे ना प्रॉपरली, यस सर, यस सर, सारे बच्चे थम्स अप डालो, बच्चों थम्स अप डालो चैट बॉक्स में, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अभी तक, बच्चों वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा, ओके सबको प्रॉपरली समझ में आ रहा है हम कैसे क्या किस प्रोसेस में कर रहे हैं पूरा पार्ट, जी बेटा ओके चलिए बहुत बढ़िया, जी बेटा अब देखो बच्चों क्या लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द साइंटिफिक नोटेशन। अब देखो ये तो पावर वाला पार्ट है, ये हम इसको इग्नोर करते हैं अभी, क्योंकि ये बहुत बेसिक वाला पार्ट है, हम इसको बाद में देखेंगे, ओके चलिए क्या दिया है, यूज द गिवन डेटा इन द फॉलोइंग टेबल एंड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑफ आर्गन एटम। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, अप्रोच कैसा होगा, आदित्य बताइए, आदित्य इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसा होगा, आदित्य yes, sir. इस क्वेश्चन का अप्रोच हम कैसे करेंगे, आदित्य इस क्वेश्चन का हम अप्रोच कैसे करेंगे,
पहले आर्गन का मोलर मास। हाँ बोलिए, सही बोल रहे हो, एकदम परफेक्ट, सही जा रहे हो, बोलो बोलो। पहले आर्गन का मोलर मास लिखेंगे, फिर फिर कमॉन बच्चे, सही जा, सही सही बोल रहे हो, एकदम सही बोल रहे हो। फिर क्या करेंगे, जो भी परसेंटेज दिया किसका, नेचुरल अबंडेंस का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसके, ये परसेंटेज है तो उसको उसको डिवाइड बाय 100 करके। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे वाला क्वेश्चन, हम ऐसे निकाल सकते हैं, दैट इज आइसोटोप का मोलर मास कितना है 36 का, आप लिखोगे 35.96755, जो दिया उसी करना है, जो दिया वही करना है, ठीक है। तो कैसा होगा, मल्टीप्लाई Yes. करेंगे 0.337 डिवाइड बाय 100, ठीक है ना, ऐसे ऐसे सबको क्या करेंगे, सबको प्लस करते जाएंगे, तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए बच्चों? Yes, 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 sir. Yes, sir. आपके यार 30 डॉलर करेंगे तो कैसे, 37.96272 इंटू 0.063 डिवाइड बाई 100 प्लस 39.96 इंटू 99.100, आपका आंसर किसमें आएगा, आपका आंसर अराउंड 39 या 40 के आसपास, कितना आएगा आपका, 40 ऐसा करिए, नहीं का। शो रही है करी, रुको 2 सेकेंड, स्क्रीन नहीं आ रही है, करा क्या आएगी। अभी चेक करो बच्चा, आ गई यस सर। क्या बच्चों मजा, देखो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, वो करना वही अपना इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, वही इम्पोर्टेंट अपना क्वेश्चंस कैसे करना है, ठीक है। सर 39.84 कितना आ रहा है, 39.84, फोर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आपकी आप जो बोलो वही मैं आंसर किया, ठीक है ना। ओके समझ गए बच्चों, यस यस सर कोई यस दिक्कत अभी सर तक, कोई दिक्कत, नो सर नो सर ओके नो सर चलो, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका है 52 मोल्स ऑफ आर्गन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कितने नंबर पार्टिकल्स है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 52 यू ऑफ हीलियम, और तीसरा क्वेश्चन हमारा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। हमको सब में नंबर ऑफ एटम्स या पार्टिकल्स फाइंड आउट करने हैं, समझ गए बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम लीव कर देंगे, ठीक है ना। किसी कुछ डाउट तो पूछ सकते हैं, अल्स हम क्वेश्चन को लीव करेंगे, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे, कौन बच्चों, करो करो कमन बच्चों, आई थिंक फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो ईजी है, राइट यस है ना। हेलो बच्चों, सुना नहीं है, बोलो रिस्पॉन्ड करो बच्चों, यस सर, जीते रहो। ठीक है ना। अब देखो 1 मोल में कितना आता है, से इतना आता है, तो 52 मोल में कितना होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 52 इनटू एवोगैड्रो नंबर, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलो 3.3 × 10⁻¹¹ एटम। चेक करना पड़ेगा, आपने उसको उस 6.02 को 52 से मल्टीप्लाई किया बेटा रमन, यस सर सर 6.023 × 10⁻¹² ओके 52 तो नहीं, ओके हाँ सही, एकदम सही किया। ओके सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चों, सेकंड वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो 52U ऑफ हीलियम, 52U ऑफ हीलियम में कितने एटम्स होंगे, कितने एटम्स होंगे, हाउ मेनी एटम्स, हाउ मेनी एटम्स, कमन बच्चों ट्राई करो बच्चों, क्वेश्चंस कर रहे हो, हेलो हेलो हेलो। यस सर यस सर देखो सिंपल सी बात है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, यू दिया ना, सर यू दिया ना, तो यू को देखते, देखो देखो जब हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का, 13 हाँ वेरी गुड बच्चा, देखो कितना आएगा, 13, 13 × Na। हाँ नहीं एन ए नहीं आएगा, एन ए नहीं आएगा, एन ए गलत कर रहे हो, देखो नो सर एन ए नहीं सर ग्राम एक, ग्राम यस हाँ एक हीलियम में, एक हीलियम में कितना है, फोर, कितना है, फोर यू है, कितना है, फोर यू है, तो 52 में कितना होगा, तो मतलब आप बोलोगे कितना
आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 52 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड 4 13। तो इसका बोलोगे 52 डिवाइडेड बाय 4 तो आपका कितना आंसर आएगा? 13 एटम्स। कितना आएगा? 13 एटम्स ऑफ हीलियम। सबको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? सभी को ये क्या क्वेश्चन समझ में आया? कोणार्क आदि अंचित अंकिता चौधरी अंशु अमन गीतांश हेमराज क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। चलिए चलिए अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या देखो? 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अभी हम करेंगे सिंपल इसका नंबर मोल्स निकाल देंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन एटॉमिक मास। एटॉमिक मास तो कितना ग्राम है? 52 ग्राम डिवाइड बाय कितना आएगा? 4 4 13 हमारे कितना 13 मोल्स आया। कितना आया? 13 मोल्स आया है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 13 into 13 into वो गया दो नंबर। ये इसका आंसर आएगा। समझ गए बच्चों सारे के सारे? यस सर। बेटा भैया स्क्रीन दिख रही है? यस सर। देखो बच्चों मैं ट्राई करूंगा कि ये स्क्रीन वाला इशू ना हो करके, ठीक है ना? ओके ठीक है फाइन। यस सर। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चन किया ये हमारा मोर कॉन्सेप्ट काफी सफिशिएंट है। जो नेक्स्ट क्लास हो क्या होगा हम करेंगे परसेंटेज मास बाय मास। एक बार मैं स्क्रीन ऑफ तो स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूं, ठीक है? चलिए अच्छा मेरी मेरी मेरा फेस दिख रहा है सबको भी? यस सर। जी यस सर। अभी मैं देखा सिर्फ 48 ही बच्चे हैं यहाँ पर, अभी 46 हो गए सर। वो 40 हो गए तो मैं देख रहा हूँ कोई आई थिंक लेट हो रहा है। और आई थिंक बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना? देखो मेन बात क्या है, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। संडे को जो टेस्ट होगा, ठीक है? हाँ संडे के टेस्ट में चैप्टर नंबर 1 पूरा आएगा। हमने खाली मोल कॉन्सेप्ट तक पढ़ा है, लेकिन आप ये मान के चलो संडे टेस्ट में पूरा पार्ट आएगा, ठीक है? तो आपको ये पूरा समझ करना है। किसी को कुछ डाउट है बच्चों तो प्लीज आप पूछ सकते हो बेटा। हाँ एमसीक्यू सी आएंगे, एमसीक्यू सी आएगा सुजल, एमसीक्यू सी आएंगे। यस सर। और किसी को डाउट हो बच्चा पूछना है? टेस्ट कैसे होगा ये? ये बेटा आपको ऐप में आपको बताएंगे आपको आलम सर। हाँ ओनली केमिस्ट्री बेटा, ओनली केमिस्ट्री आएगा अभी।